देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है, मान लो अगर मैंने दो लाइंस बनाई, ठीक, तो देखो जैसे मैंने दो लाइंस बनाई, ये दो लाइनें देखो एक दूसरे को काट रही हैं, पैरेलल नहीं है। देखो क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4, देखो चार हिस्से हो गए इस पूरे प्लेन के, देखो चार हिस्से हो गए, दो लाइनों ने क्या किया, पूरे प्लेन को चार हिस्सों में बांट दिया, है ना। जैसे मान लो अगर मैंने कहा मेरे पास एक प्लेन है, मान लो मेरे पास छोटा सा प्लेन है ये, ऐसे है ना, मान लो हमने तीन लाइनें बनाई, 1 2 और 3, मान लो हमने तीन लाइनें बनाई। अब देखो इस पूरे प्लेन को इन तीन लाइनों ने कितने हिस्से में बांट दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखो इस पूरे प्लेन को इन तीन लाइनों ने सात हिस्सों में बांट दिया, सात हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे मान लो हम ज़्यादा लाइनें ले लें, चार लाइनें ले लें, पांच लाइनें ले लें, तो क्या होगा। देखो इसका एक फार्मूला हम याद रखें, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट ये है मेरे पास एन लाइन्स हैं। अब एन लाइन्स में क्या है, कोई भी दो पैरेलल नहीं है, नो टू ऑफ देम, है ना, नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, कोई भी दो पैरेलल नहीं है, एंड नो थ्री ऑफ देम आर कंकरेंट, है ना, नो थ्री ऑफ देम आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब तीन लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो, तो कोई भी तीन लाइनें एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रही हैं, एन लाइंस हैं उनमें से कोई भी दो पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच, है ना, ए प्लेन इज डिवाइडेड, नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच ए प्लेन इज डिवाइडेड, एक प्लेन कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एन प्लस वन। सिग्मा एन का मतलब होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। देखो जैसे अगर हम एन की वैल्यू टू ले लें, मान लो अगर हम एन की वैल्यू टू ले लें, टू लेने का मतलब दो लाइन ले ली, अगर दो लाइन ले ली तो कितने हिस्से थे, देखो चार। अब एन की वैल्यू यहाँ टू रख के देखें, इस फार्मूले में क्या बनेगा, टू इंटू टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, दो क्या हो गया, आंसर कितना आ गया, फोर। मान लो अगर हम एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल थ्री ले लें, मतलब मान लो हम तीन लाइन ले लें, अगर हम तीन लाइन ले लें, देखो प्लेन के कितने हिस्से हो गए, सात। देखो एन की वैल्यू थ्री पुट करके देखो, तो थ्री इंटू फोर बाई टू प्लस वन, तो सिक्स प्लस वन, आंसर क्या हो गया, देखो सेवन आंसर आ गया, है ना। तो अगर हम एन लाइन्स ले लेंगे जिनमें से कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन लाइन एक पॉइंट से पास नहीं होती, तो किसी भी प्लेन को ये लाइनें वन प्लस सिग्मा एन हिस्सों में बांट देंगी। अगर कोई भी प्लेन है तो उस प्लेन को ये सब लाइनें मिलकर के वन प्लस सिग्मा एन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले।